है, तो पंचायती राज से रिलेटेड अगर कमेटीज भी पेपर में पूछे जाएंगे तो फर्स्ट कमेटीज बलवंत राय मेहता कमेटीज, सेकंड अशोक मेहता, थर्ड GVK राव कमेटीज, फोर्थ LM सिंघवी कमेटीज। बच्चे क्लियर है बच्चे, इतनी चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर पूछता है पंचायती राज से तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है रिलेटेड टू पंचायती राज, 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है रिलेटेड टू बच्चे MCD म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है बच्चे उससे रिलेटेड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्वेश्चंस ये भी पूछा जाएगा बच्चे कि जो पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है बच्चे, इसको कांग्रेस ने, कांग्रेस के समय में पंचायती राज बिल जो था वो पास हुआ था। तो जो पंचायती राज बिल है ना बच्चे, ये पास हुआ था 1992 में बच्चे, लेकिन पंचायती सिस्टम इफेक्टिव कब से होता है तो 20 अप्रैल 1993। बच्चे तुम्हारे सेकेंड नोट्स में लिखा हुआ है, दोनों को मिलाकर तुम लोग पढ़ लेना। तो पंचायती सिस्टम जो है बच्चे वो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव फ्रॉम द 20 अप्रैल 1993। बच्चे ये एक चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ध्यान में ये रखना है बच्चे कि हाँ पास मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1992 एंड इफेक्टिव फ्रॉम द 20th अप्रैल 1993, ठीक है। पार्ट जो 11 है बच्चे वो है रिलेटेड टू द पंचायती राज, और पार्ट 12 जो है बच्चे रिलेटेड टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। बच्चे एमसीडी से जो रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है बच्चे, एमसीडीज के जो एमसीडी से रिलेटेड जो पार्ट है वो 12 है, और जो पंचायती सिस्टम है बच्चे उसके जो सब्जेक्ट है ना, कि पंचायत के जो पावर है बच्चे वो किस किस सब्जेक्ट पर है, तो वो सब्जेक्ट तुम्हें मिलेगा 29 सब्जेक्ट है बच्चे। पंचायती सिस्टम में 29 सब्जेक्ट हैं, और एमसीडीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सब्जेक्ट कितने मिलेंगे, 18। 29 सब्जेक्ट जो है वो किसके जुरिडिक्शन में आते हैं, पंचायती सिस्टम के, और ये 29 सब्जेक्ट प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहाँ पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये 29 सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन है शेड्यूल्स 11, और 18 सब्जेक्ट जो है वो मेंशन है शेड्यूल 12। क्लियर है। ठीक है, और जो पंचायती सिस्टम है बच्चे, पंचायती सिस्टम ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बच्चे हमारे यहाँ 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो एग्जाम्पल्स होता है बच्चे उसमें पंचायती सिस्टम और एमसीडीज को रखते हैं बच्चे, ये दो। हाँ मतलब महात्मा गांधी जी सपोर्ट करते हैं, एंड लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। बच्चे जो लोकल गवर्नमेंट है ना ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, तो पूरा का पूरा जो पंचायती सिस्टम था वो पहले DPSP का पार्ट होता था बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का, ठीक है। अब जो बलवंत राय मेहता कमेटीज थी बच्चे, इसको एक्चुअली फॉर्म करने का रीजन ये था बच्चे कि यूनियन गवर्नमेंट ने 2 प्रोग्राम्स चलाए थे, ठीक है। उन 2 प्रोग्राम्स जो रन कराए गए थे बच्चे, जैसे एक प्रोग्राम रन हुआ था बच्चे कम्युनिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो 1952 में रन किया गया था बच्चे, और एक है नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953। बच्चे तो 2 प्रोग्राम्स तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारे नोट्स में है बच्चे बलवंत राय का मेहता कमेटीज में, और इन्हीं 2 प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने के लिए बच्चे, मतलब ये दोनों प्रोग्राम्स जो थे वो फेल कर गए थे बच्चे, ठीक है ना। ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं वो क्या कर जाते हैं, फेल कर जाते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इन प्रोग्राम्स के, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फाइनली अचीव नहीं हो पाते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को इवेल्युएट करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटीज बनाई जाती है, और इस कमेटीज की ही एडवाइस पर बच्चे, ठीक है ना, इस कमेटीज ने, ठीक है ना, इंडियन गवर्नमेंट को ये एडवाइस दिया कि हमें डेमोक्रेसीज के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है।
और इतने डिसेंट्रलाइजेशन से ये सारे प्रोग्राम सक्सेस नहीं होंगे, तो हमें और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करने की क्या है जरूरत है। तो जो पंचायती राज का कंसेप्ट था ना बच्चे, वो कंसेप्ट जो आया वो बलवंत राय मेहता कमेटीज की एडवाइस से निकला। हाँ मतलब ये कमेटीज, हाँ ये पंचायती राज तो चल रहा था, मतलब इसमें जो कमेटीज ने एडवाइस दिया उस एडवाइस के बेसिस पर ना पंचायतें तो बनी, लेकिन पंचायतों के पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पंचायत में, वो प्रॉब्लम था ठीक है ना कॉन्स्टिट्यूशन, उस वो प्रॉब्लम था कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का। मतलब पंचायती सिस्टम थे तो पंचायती सिस्टम के दो मॉडल आए थे बच्चे, ठीक है ना, तुम्हारे नोट्स में है भी जिसपे IGP लिखा हुआ, पीछे जब आओगे बच्चे तो वहां दो मॉडल आया था बच्चे, तमिलनाडु एडॉप्टेड इज अ टू टायर सिस्टम एंड वेस्ट बंगाल एडॉप्टेड अ फोर टायर सिस्टम, और जो बलवंत राय मेहता कमेटीज थी बच्चे, राजस्थान एडॉप्टेड द थ्री टायर सिस्टम बच्चे, यानी जो बलवंत राय मेहता कमेटीज थी बच्चे उसने थ्री टायर ऑफ द पंचायती सिस्टम के बारे में बोला, लेकिन बहुत सारे स्टेटों ने, कुछ स्टेटों ने टू टायर सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और कुछ स्टेटों ने बच्चे फोर टायर पंचायती सिस्टम को क्या किया, अडॉप्ट किया था बच्चे। हाँ थ्री टायर उसने, थ्री टायर मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ब्लॉक और ग्राम पंचायत, थ्री टायर ऑफ पंचायती सिस्टम, पंचायत सिस्टम के तीन टायर उसने बताया था, सबसे लोअर लेवल पे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर जो होगा वो ब्लॉक पंचायत या तालुका पंचायत या इंटरमीडिएट काउंसिल, और जस्ट उसके ऊपर जो होना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे इन्होंने क्या कर दिया, ग्राम पंचायत रखा और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रखा, वेस्ट बंगाल में इन्होंने फोर टायर्स क्रिएट कर दिए, तो काफी एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, और जो एक प्रॉपरली इलेक्शंस होने चाहिए थे वो प्रॉपरली इलेक्शंस नहीं हो पाते। राजस्थान जो बच्चे फर्स्ट स्टेट है बच्चे, राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे पंचायती सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया, एंड सेकेंड स्टेट इज द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था टू टायर ऑफ द पोल, टू टायर ऑफ द पंचायती सिस्टम। तो ये रिक्वेस्ट जो थी बच्चे वो किसकी थी, आपकी रिक्वेस्ट जो पूरी है बच्चे वो रिक्वेस्ट है पूरी की पूरी बलवंत राय मेहता कमेटीज की। जो जनता पार्टी है बच्चे ठीक है ना, उसने अशोक मेहता कमेटीज को फॉर्म की, अशोक मेहता कमेटीज ने एडवाइज टू द टू टायर ऑफ द पंचायती सिस्टम, उसने बोला कि पंचायती सिस्टम में दो ही टायर होने चाहिए ठीक है ना, मतलब दो दो टायर की बात की जाती है, थ्री टायर के जगह पे उसने दो टू टायर्स को डिस्कस किया अपनी रिपोर्ट्स में बच्चे, यानी रिप्लेस द थ्री टायर सिस्टम बाय द टू टायर सिस्टम, मतलब एक तो जिला परिषद होना चाहिए यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी चाहिए, और सीधा नीचे लेवल पे क्या होनी चाहिए, ब्लॉक होना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत को उसने खत्म ही कर दिया, उसने मंडल पंचायत, तो कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जो ब्लॉक काउंसिल होती है, ब्लॉक पंचायत जो होती है उसी को कहीं कहीं पे मंडल भी बोला जाता है, तो इसने मंडल काउंसिल, और साथ ही इसने ये भी बोला कि जो पंचायती इलेक्शन है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेट करने का पावर दिया जाए, यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो लोकल इलेक्शंस में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। हाँ बहुत जगह पे नहीं है, मतलब अलाउ नहीं किया जाता है, हाँ कई जगह पे स्टेट, उसने अपने जैसे पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट है, तो स्टेट ने क्या किया होगा, पंचायती राज को मॉडिफाई करके उसने वहां पे क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटीज है जो टू टायर ऑफ द पंचायती सिस्टम को बोलती है कि टू टायर ऑफ द पंचायती सिस्टम होना चाहिए, तो बच्चे आप लोगों को वहां पे क्या ऑप्शन में टिक करना, अशोक मेहता कमेटीज, इस्टैब्लिशमेंट जो है 77 की है और जो रिपोर्ट्स दी थी बच्चे वो 1978 में दी है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना इतनी चीजें बच्चे। इसके बाद से तुम्हें GVK राव और एक और कमेटीज है बच्चे, हनुमंता राव कमेटीज और दांतेवाला कमेटीज, उसी में ये तीनों जो कमेटीज हैं बच्चे रिलेटेड टू द आपका रिलेटेड टू द पंचायती सिस्टम बच्चे, ये पंचायती सिस्टम से रिलेटेड कमेटीज हैं बच्चे, तो इन कमेटीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है बच्चे। LM सिंघवी कमेटीज इज अ डिमांड टू द पंचायती सिस्टम इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, मतलब LM सिंघवी कमेटीज ने ये डिमांड की कि हमें पंचायती सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना बहुत जरूरी है, अगर पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिलेगा तो पंचायती सिस्टम का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ
होती थी, लेकिन पावर, हाँ, डीपीएसपी के थ्रू कंसीडर कर देते थे, लेकिन उसके पास पावर नहीं होता था, ठीक है ना, टैक्स लेवी करने का, मतलब कोई पावर नहीं होता था, मतलब मुखिया की बात लोग सुनते नहीं थे। हाँ, अगर मुखिया की बात अगर सुनी जा रही है तो एक मॉरल कंसाइंस के फॉर्म में हम मुखिया की बात को सुन रहे हैं, वरना मुखिया की बात को लोग सुनते ही नहीं थे, अवॉइड कर देते थे, तो वो डीपीएसपी के फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पे जो चीजें थी कि अगर हम पंचायती सिस्टम को एक लीगल स्टेटस दे देते हैं तो पंचायत का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पंचायत का एक इम्पोर्टेंस हो सकता है पंचायती सिस्टम का। और एलएम सिंघवी की रिक्वेस्ट पे बच्चे जो पंचायती सिस्टम था उसको लीगल स्टेटस मिला, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट करना पड़ा। पंचायत को स्टेट लिस्ट में से 29 सब्जेक्ट्स देने पड़े, और जो पंचायती इलेक्शन होगा वो एक पीरियडिक इलेक्शन होगा, वहां पे एक टाइम पे इलेक्शन करेंगे, 5 ईयर्स वहां पे भी इंट्रोड्यूस कराया गया। पूरा पंचायती सिस्टम का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस है बच्चे, उसमें खास तौर से सीटें रिजर्व की गई, पंचायत के पावर ज्यूरिडिक्शन, हाँ, मतलब 33% तो मिनिमम है, 1/3 सीटें रिजर्व आप करेंगे, 1/3 सीटें मिनिमम रिजर्व करनी थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वेमेन्स के लिए। कुछ स्टेटों ने 50% से अबव सीटें पंचायती सिस्टम में रिजर्व करती हैं, जैसे बिहार स्टेट है, वहाँ 50% सीटें रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती हैं, मतलब रिजर्व कैटेगरीज है, तो बहुत जगह पे 50% है। हाँ, पंचायती सिस्टम जो आएगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगी। पंचायती इलेक्शंस के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर्म द स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म करती है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो डिसाइड द पंचायती इलेक्शंस, पंचायती इलेक्शन कब होंगे ये डिसाइड स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी डिसाइड करता है, और पंचायती सिस्टम में जो पार्टिसिपेटेड कैंडिडेट होते हैं उनको इलेक्शन साइन सिंबल जो होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है, देता है, अलॉट करता है, और रिजल्ट डिक्लेयर करना, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही हम लोग स्टेट इलेक्शन कमीशन को क्या कर देते हैं, वॉलिश कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो सिर्फ इलेक्शन के समय स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करती है, काम करती है, उसके अलावा नहीं। इसी तरीके से जब पंचायती आर्टिकल को तुम पूरा देखोगे उसमें स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी मैंशन किया गया है, जैसे कैग है तो यूनियन लेवल पे पूरी ऑडिटिंग करता है, स्टेट की भी ऑडिटिंग जो होता है वो कैग ही करता है, तो कैग जो है वो क्या कर देता है, स्टेट के पूरे की पूरी ऑडिटिंग करेगा और उस पे स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट बनाकर एक सबमिट करता है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है बच्चे वो क्या करती है, अपॉइंट द स्टेट गवर्नर, जैसे फाइनेंस कमीशन जो होती है उसको अपॉइंट कौन करता है, यूनियन प्रेसिडेंट करता है, उसी तरह से स्टेट में भी फाइनेंस कमीशन होती है, तो स्टेट जो फाइनेंस कमीशन होती है अपॉइंट द स्टेट गवर्नर, स्टेट गवर्नर जो है बच्चे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स रिसोर्सेज, टैक्स रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन को शेयर करने की बात करेगा वो करेगा स्टेट एंड अ पंचायती सिस्टम। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन भी पंचायती एक्ट में है, जो पंचायती एक्ट है बच्चों उसमें तुम्हें स्टेट फाइनेंस कमीशन मिलेगा, ठीक है। और जो पंचायत है बच्चों उसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में तुम्हें 29 आइटम्स दिए गए हैं, आर्टिकल 243G में तुम्हें मिल सकता है बच्चे, ठीक है, 11 शेड्यूल्स है, ठीक है, ये चीजें तुम देख सकते हो इसमें। एंड अब पंचायती सिस्टम में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मीनिंग ऑफ द ग्राम सभा। तो जो ग्राम सभा है बच्चे, तो ग्राम सभा में जनरली उनको हम लोग मेंशन करते हैं, ग्राम सभा के पार्ट वो लोग होते हैं बच्चे जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रोलर होते हैं बच्चे, जो रजिस्टर्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोल रोल्ड जो होता है बच्चे, उनका जो इलेक्ट्रोल रोल्स होता है बच्चे, इलेक्ट्रोल जो रोल होता है उसमें जो पर्सन रजिस्टर्ड होते हैं पार्ट ऑफ द ग्राम सभा, वो
रामसभा के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, मतलब 18 ईयर्स और 18 ईयर्स से अबव जो मेंबर होते हैं, पर्सन होते हैं बच्चे, पार्ट ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा इज अ लेजिस्लेचर बच्चे, मतलब उस विलेज लेवल पे जो ग्राम सभा होती है बच्चे वो लॉ मेकिंग बॉडीज है बच्चे। एंड ग्राम पंचायत इज अ एग्जीक्यूटिव्स, ग्राम पंचायत जो है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव्स है, मतलब ग्राम सभा ग्राम पंचायत को बताती है कि क्या करना है, कैसे करना है, और ग्राम पंचायत जो है उसको क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है बच्चे। तो ग्राम सभा के बारे में ये चीजें ध्यान में रखना है बच्चे। ग्राम सभा के मेंबर एक उस विलेज के सभी लोग आएंगे, ग्राम सभा के मेंबर होंगे जिनकी एज 18 या फिर 18 ईयर से अबव होती है बच्चे, तो उन सभी को हम लोग मेंबर ऑफ द ग्राम सभा मानते हैं। उन सभी को ग्राम सभा का क्या माना जाता है बच्चे, मेंबर माना जाता है, ठीक है ना, उसमें सभी लोग। तो ग्राम सभा इज अ लेजिस्लेचर, मतलब तुम देखोगे बच्चे कभी कभी सोशल ऑडिटिंग टर्म्स तुम्हें सुनने को मिलती होगी बच्चे। तो पंचायत जो भी विलेज लेवल पे काम करती है ना, उस विलेज लेवल पे जो भी वर्क पंचायती पंचायती सिस्टम के थ्रू किया गया, उसको इवैल्यूएट करना, उसको उसकी स्क्रूटनी करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चे वो ग्राम सभा को दिया गया। यानी ग्राम सभा इज अ सोशल ऑडिटिंग बॉडीज है बच्चे, वो सोशल ऑडिट करने वाली एक बॉडीज है बच्चे, जो एक तरह से क्या करती है, सोशल ऑडिटिंग भी करती है। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। एक चीज और भी काफी इंटरेस्टिंग है बच्चे, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। जब तुम वहां पे देखोगे पंचायत का कि पंचायत का ड्यूरेशन क्या होता है बच्चे, तो नॉर्मली पंचायत अकॉर्डिंग टू द एक्ट पंचायत का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है बच्चे, ठीक है। यानी जैसे ही 5 ईयर कंप्लीट होगा बच्चे, वैसे ही हम पंचायत को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। हमें पंचायत 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद ही आपको पंचायत को क्या करना है, डिसॉल्व करना है बच्चे। और पंचायत की जो काउंटिंग होती है 5 ईयर की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पंचायती राज, पहली जब न्यू इलेक्टेड पंचायत जैसे ही न्यूली इलेक्ट हो जाती है, उसकी फर्स्ट मीटिंग से हम 5 ईयर ड्यूरेशंस रखते हैं बच्चे। अब उस 5 ईयर में जो मुखिया है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया है, अगर मुखिया की डेथ बच्चे 3 ईयर्स या 2 ईयर्स बाद हो जाती है तो रेस्ट डिसॉल्व नहीं किया जाता है। यानी मुखिया की डेथ होते ही पंचायत को हम डिसॉल्व नहीं कर देते हैं। जो रेस्ट पार्ट ऑफ द ड्यूरेशन सेव है ना उसमें, उतने टाइम के लिए हम लोग किसी और को मुखिया बना देते हैं बच्चे। ग्राम पंचायत के इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं उसी में से किसी को मुखिया बना दोगे, हाँ जो पंच होते हैं उसी में से किसी मेंबर को आपको क्या करना होता है, मुखिया बनाना होता है। तो ये ध्यान में भी रखना कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही पंचायत का जो मुखिया है अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो वैसे ही हमें पंचायत को क्या करना होगा, डिसॉल्व करना होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है वहां पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री की डेथ होगी ना, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद आप या तो इलेक्शंस डिक्लेयर करिए, या फिर जो पहले प्रधानमंत्री था अगर उसने अपना सक्सेसर डिक्लेयर करके गया उत्तराधिकारी, तो उसको प्रधानमंत्री बनाकर तभी आप लोकसभा को आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन पंचायती सिस्टम में ऐसा नहीं है बच्चे, पंचायत 5 साल के लिए तो इलेक्ट की जाती है, लेकिन 2 साल या 3 साल बाद मुखिया की डेथ हो जाती है, तो अब जितना टाइम बचेगा ना उतने समय के लिए हमें किसी को मुखिया बनाना होता है। पंचायत में हम नया फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराएंगे, नया फ्रेश और इलेक्शन पंचायत में तभी कंडक्ट होता है बच्चे जब ड्यूरेशंस लेफ्ट इन द 6 मंथ बच्चे, 6 महीने अगर बचा हुआ है तब तो आपको न्यू फ्रेश इलेक्शंस डिक्लेयर करने पड़ेंगे पंचायती सिस्टम। लेकिन काफी एक लॉन्ग टाइम अगर सेव हो रहा है उसमें, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उतने टाइम के लिए किसी को पंचायत का मुखिया बनाना पड़ेगा बच्चे। तो ये चीजें भी थोड़ा सा तुम लोग को ध्यान में रखना। और जो पंचायती इलेक्शंस होती है बच्चे, उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस होती है, तो वहां पे एज जो होनी चाहिए वो 21 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए, 21 से लेकर 25 साल तक के लोग होते हैं। डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एज क्या होगी, ठीक है ना, क्वालिफिकेशंस क्या होगी। तो एक तो क्वालिफिकेशन में इंडियन सिटीजनशिप, सेकेंड जो भी आप जिस गांव के मुखिया बनना चाहते हैं उस विलेज का जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए, और थर्ड जो है वो मेंटली और
ठीक है ना, मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो या इनसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, इसके चीजें पूछे। मतलब अब कुछ स्टेटों ने अप्लाई किया है, जैसे मतलब 5 क्लास 5th और क्लास 8 राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने पंचायती जो एक्ट है उसको अमेंड करके वहां पर उसने मुखिया और मेंबर बनने के लिए, प्रधान और मेंबर बनने के लिए आपकी एज मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को वहां पे कंपलसरी किया जा रहा है। अच्छा, तो ये चीजें तुम देख सकते हो बच्चे इसमें। एंड सीटें जो है बच्चे वो रिजर्व की जाती हैं पंचायती सिस्टम में, ठीक है ना। तो लगभग सीटें जो रिजर्व हैं बच्चे वो होती हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ऑल लेवल पे सीटें रिजर्व होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायती लेवल के बच्चे, पंचायती ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत एंड जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ब्लॉक पंचायत एंड ग्राम पंचायत, तीनों लेवल पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन्स कैटेगरी के लिए जो सीटें होंगी वो क्या की जाएंगी, रिजर्व की जाएंगी। और सीटें जो रिजर्व होंगी अकॉर्डिंग टू द पंचायती एक्ट, 1/3 सीटें तो आपको रिजर्व करनी ही करनी, डिपेंड ऑन द स्टेट मूड। वो स्टेट के मूड पर भी डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी मूड पर डिपेंड करता है। 1/3 तो कंपलसरी है मेंटेन करना, उससे ज्यादा भी आप चाहें तो सीटों को क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बच्चे। 1/3 सीटें तो आपको रिजर्व करनी ही करनी है बच्चे, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे। दूसरी चीज है बच्चे, जो ग्राम पंचायत होता है बच्चे वहां, मतलब ग्राम पंचायत ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, तीन ले पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है, उसके बाद से तुम्हारा नीचे जो आएगा बच्चे वो आ जाएगा तुम्हारा ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक काउंसिल आता है, और सबसे नीचे जो आता है ग्राम पंचायत। तो एक्चुअली ये तीनों लेवल पे जो मेंबर होते हैं ना, मेंबर आर इलेक्टेड बाय द डायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स बच्चे, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे बाय द पीपल। लेकिन जो ग्राम पंचायत होता है बच्चे, उसका जो मुखिया होता है ना, प्रधान जो होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल्स। लेकिन जो ब्लॉक पंचायत का चेयरमैन होगा एंड डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल का चेयरमैन होता है वो इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस से बच्चे, ठीक है ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का तो हेड आईएएस हो जाता है, ब्लॉक पंचायत का जो मेंबर होगा वो सभी गांव के जो मुखिया होते हैं वो मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं बच्चे। मुखिया के द्वारा उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और फिर उनको चुना। हाँ, वो चुनते हैं वहां पे, मुखिया उनको क्या करेंगे, वो मुखिया को क्या करेंगे, चुनेंगे वहां पे, वहां पे मुखिया को क्या किया जाता है, चुना जाता है, और वो लोग मुखिया को चुनते हैं, ठीक है। तो मुखिया वहां पे क्या किया जाता है, तुम्हारा चुना जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मुखिया जो होता है बच्चे वो क्या किया जाता है, चुना जाता है बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, तो जैसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर उसका बनता है बच्चे। सबसे नीचे तो तुम्हारा ग्राम पंचायत हो गया बच्चे, यहाँ पे जो होता है बच्चे ब्लॉक होता है, और यहाँ पे जो होता है बच्चे डिस्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पे जो प्रधान है बच्चे, मुखिया जो है, और जो मेंबर हैं बच्चे, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोसेस से इलेक्ट किए जाएंगे बच्चे। लेकिन ये जो ब्लॉक पंचायत होता है बच्चे, यहाँ मेंबर जो होते हैं वो तो इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट प्रोसेस से इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो चेयरमैन होता है बच्चे, उसके लिए इनडायरेक्ट प्रोसेस होता है, इनडायरेक्ट प्रोसेस होगा बच्चे यहाँ पे ना, इनडायरेक्ट प्रोसेस तुम्हें देखने को मिले। और यहाँ पे तो हेड जो होता है बच्चे वो क्या होता है, आईएसी होता है बच्चे, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो हेड होता है वो आईएसी होता है।
मतलब पूरी प्लानिंग जो होती है विलेज डेवलपमेंट की, वो यहाँ से की जाती है। इसका काम होता है सुपरवाइज करना, ठीक है ना। और इनका काम क्या होता है, जो भी प्लान डिसाइड किए गए हैं उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है बच्चों। तो ये चीजें तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा बच्चों। मतलब जो पंचायती सिस्टम है ना बच्चे, इसके पावर और फंक्शन क्या है बच्चे। तो पावर और फंक्शन में अगर तुम देखोगे बच्चे ना, तो इसका एक ही काम है, ठीक है ना, इस्टैब्लिश द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को क्या करना है, इस्टैब्लिश करना है, ठीक है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चे। ये जो पूरा काम होता है बच्चे, किसका काम होता है, पंचायती सिस्टम का होता है बच्चा, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें तुम्हें बच्चे, एक हमने बात भी किया था, स्टेट इलेक्शन कमीशन्स बच्चे। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है बच्चे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन। पंचायत के इलेक्शन जो कंडक्ट कराए जाते हैं बच्चे, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू किए जाते हैं। तो पंचायती इलेक्शंस और एमसीडी के जो इलेक्शंस होंगे वो भी कंडक्ट कौन करेगा, स्टेट इलेक्शंस कमीशन करता है बच्चे, ठीक है ना। जैसे काम क्या है इसका, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोल लिस्ट बच्चे, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोल लिस्ट बच्चे, इलेक्ट्रोल रोल्स, ठीक है ना, ठीक है। डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटेड टू इलेक्शंस बच्चे, ठीक है ना। डिक्लेयर द रिजल्ट्स, ठीक है ना, रिजल्ट को डिक्लेयर करना, एंड डिसाइड द इलेक्शंस डेट। ये सारी चीजें कौन करेगा, इलेक्शंस कमीशन करता है। तो ये सारी चीजें जो डिसाइड होती है बच्चों, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू होती है बच्चों। तो ये चीजें तुम ध्यान में रख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, दृष्टा समझ में आ रहा है। और एक चीज बच्चे, पंचायती सिस्टम में एक और चीज तुम्हें देखने को मिलेगा बच्चे, वो मिलेगा स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है बच्चे, स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है बच्चे, ठीक है ना, एवरी 5 ईयर्स पे क्या किया जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है बच्चे। एवरी 5 ईयर्स में कौन अपॉइंट करेगा बच्चे, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंट कौन करेगा बच्चे, द गवर्नर। गवर्नर को ये पावर दिया गया है कि वो फाइनेंस कमीशन को क्या करेगा, अपॉइंट करेगा बच्चे। रोल ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है बच्चे, तो इसका रोल यही है कि जो भी स्टेट का टोटल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है बच्चे, उसका डिस्ट्रीब्यूट उसको कैसे किया जाए, पंचायती राज, एनसीडी एंड स्टेट के बिटवीन बच्चे। हाँ, मतलब जब स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या होगा, स्टेट है तो टोटल जो रेवेन्यू है बच्चे, ठीक है, कलेक्शंस आपने जो भी किया है, तो इसमें क्या होगा, पंचायती या राज भी आता है, पंचायती हो गया और प्लस एमसीडी हो गया बच्चे। तो वो टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बच्चे, उसका पूरा एक जो प्रोसेस बताया जाता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू बताया जाता है बच्चे। तो इस प्रोसेस जो है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन बताएगा किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा बच्चे, किसको कितना हम टैक्स में से, कितना पार्ट पंचायती को, पंचायत को मिलना चाहिए, और कितना पार्ट जो है बच्चे वो स्टेट को मिलना चाहिए बच्चे। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चों। कुछ आर्टिकल भी ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है ना। जैसे ग्राम सभा जो है बच्चे, तो ग्राम सभा का आर्टिकल थोड़ा सा करके जाना पड़ेगा बच्चे, 243A बच्चे, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पंचायत, जो पंचायत की एक कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, ऑफ पंचायत, ठीक है ना, इसका आर्टिकल जो है बच्चे 243B है। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। हाँ, जो यहाँ पे जो इस पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स मिले हैं ना बच्चे,
ठीक है, इस 29 सब्जेक्ट पर लॉ मेकिंग जो है बच्चे वो पंचायत कर सकती है बच्चे। इसमें भी दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसमें भी दो तरह के सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट जो हैं बच्चे वो तो आते हैं कंपलसरी प्रोविजंस, और कुछ होते हैं वॉलेंट्री बच्चे। दो पार्ट में होते हैं बच्चे, ये कंपलसरी फॉर्म में होता है और एक होता है बच्चे वॉलेंट्री। मतलब जो पंचायत है ना, कुछ काम तो करना कंपलसरी है और कुछ काम जो है ना वॉलेंट्री है। जैसे फॉरेस्ट लगाना, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना, प्लांटेशन करना, ये ना उसका एक तरह से वॉलेंट्री काम होता है। लेकिन कुछ काम जो होते हैं ना पंचायत के, वो क्या होते हैं, कंपलसरी वर्क में आते हैं, कि ये काम करना जरूरी ही है बच्चे, ये काम पंचायत को करना ही पड़ेगा बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है बच्चे। क्लियर है बात? रख लोगे ध्यान में? तो पंचायती राज में इतनी ही चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो पंचायती राज में कुछ ऐसा में है नहीं बच्चे। दूसरी चीज है बच्चे, तुम्हारे नोट्स में ना जो आईजीपी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये वाले नोट्स हैं बच्चे, ठीक है ना, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा पॉलिटिकल थ्योरी, वहां पे बच्चे पंचायती राज के बाद से एक टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बच्चे। पंचायती राज के जस्ट बाद होगा, पंचायती राज जैसे ही खत्म होगा पहले होगा, पहले पहले आईजीपी उधर नहीं होगा ना, ना ऐसे नहीं होगा, आईजीपी पहले है ना। पंचायती राज देखो जहां खत्म हो रहा होगा। हाँ, उसमें भी है। अच्छा, वो 16 में नहीं है क्या? हटा दो। देखो उसमें भी है तुम्हारा, ये है ना सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, पेज नंबर 42 पे मिल जाएगा बच्चा।
पेज नंबर 42 पे तुम्हें मिल जाएगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस बच्चे। ठीक है, पेज नंबर 42 पे सेंटर स्टेट रिलेशंस है, मिल गया ना बच्चे। तो अगर हम जब सेंटर स्टेट में जब देखते हैं बच्चे रिलेशंस, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस में हमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी देखना होता है बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने होते हैं बच्चे। ठीक है ना, और जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब तुम देखना शुरू करोगे ना बच्चे, तभी तुम्हें फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म समझ में आएगा बच्चे, कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है बच्चे, उसमें फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम भी है यूनिटरीज के साथ बच्चे, पावर ऑफ डिवीजन। हाँ, जिस इसीलिए क्वासी फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम बोलते हैं बच्चे। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है ना बच्चे, ठीक है ना, तो उसमें तुम्हें कुछ लिस्ट ध्यान में रखनी है बच्चे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं। जैसे लेजिस्लेटिव रिलेशंस में बच्चे तुम आओगे ना, तो वहां पे यूनियन लिस्ट है बच्चे नीचे, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, यूनियन लिस्ट है बच्चे। और जो यूनियन लिस्ट है बच्चे, इसमें 100 सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चे, ये कम ज्यादा होते रहते हैं बच्चे। स्टेट लिस्ट में जनरलिस्ट बच्चे, जो स्टेट लिस्ट है बच्चे, इसमें 61 सब्जेक्ट हैं। और जो कॉन्करेंट है बच्चे, इसमें जो है बच्चे 52 हैं बच्चे, ठीक है। और एक और, हाँ, कॉमन होती है। एंड नेक्स्ट एक लिस्ट होती है बच्चे, जिसको हम लोग रेसिड्यूसरीज बोलते हैं बच्चे, ये पावर बच्चे। वैसे जहाँ प्योर बच्चे, जहाँ प्योर फेडरलिज्म्स होगा ना, जहाँ प्योर फेडरलिज्म्स है बच्चे, जहाँ पे प्योर फेडरलिज्म्स होता है बच्चे, वहां पे रेजिडिसरी जो पावर होती है ना बच्चे, स्टेट के पास होती है बच्चे। इंडिया में क्वाइसी फेडरलिज्म्स है, तो रेजिडिसरी जो पावर होता है बच्चे, इस पर किसको पावर दिया गया है, यूनियन गवर्नमेंट को बच्चे, यहाँ पे स्टेट के पास नहीं है बच्चे। वैसे प्योर फेडरलिज्म्स में जो रेजिडेसरीज पावर होती है बच्चे, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, जैसे यूएस में है बच्चे। कैनेडियन हमारे पास मॉडल है, हमारे पास कैनेडियन फेडरलिस्ट मॉडल है बच्चे, दो मॉडल है ना, एक तो यूएस फेडरल मॉडल है, यूएस का फेडरलिस्ट मॉडल है, और एक कैनेडियन फेडरलिस्ट फेडरलिज्म्स मॉडल है। तो इंडिया जो है बच्चे, वो कैनेडियन फेडरलिज्म्स मॉडल को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग जो रेजिडेसरीज पावर होती है बच्चे, वो यूनियन गवर्नमेंट, इंडिया के पास भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है, कनाडा में भी अगर देखा जाए तो कनाडा में जो गवर्नमेंट है उसके पास भी यूनियन गवर्नमेंट के पास है बच्चे। अब जनरली जब तुम दोनों नोट्स देखोगे ना बच्चे, इसमें सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कुछ कमेटीज हैं बच्चे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे सेंटर स्टेट रिलेशन से। जैसे RS सरकारिया कमीशन बच्चे, कभी कभी ये पेपर पूछता भी है सेंटर स्टेट रिलेशन में बच्चे, ठीक, दूसरे वाले में है बच्चे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में बच्चे सरकारिया कमीशन है बच्चे, ठीक है, कमीशन है बच्चे। और एक और कमीशन है बच्चे, वो है पुंछी कमीशन बच्चे, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब मदन मोहन पुंछी, पूरा नाम इनका जो है बच्चे, मदन मोहन पुंछी है बच्चे, तो ये दो कमेटीज ध्यान में रखना है। इसी तरीके से सेंट्रल स्टेट रिलेशन से कमेटीज है बच्चे, आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन से बच्चे, ठीक है ना, आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन से बच्चे, किसमें बच्चा, ठीक है बच्चे, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड एक और कमेटीज है बच्चे, ये तो कमेटीज बाद में आई थी, ठीक है ना। सबसे पहला जो एक प्रपोजल आया था बच्चे, वो था आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशन, कहीं लिख लेना, इसमें है नहीं,
इन दोनों से ऊपर लिख सकते हो, ठीक है ना। आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस, नेक्स्ट है बच्चे बंगाल मेमोरेंडम्स, ठीक है। बंगाल मेमोरेंडम्स, आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस, सरकारिया कमीशंस और पुंछी कमीशंस बच्चे, रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट, सेंटर स्टेट से रिलेटेड जो कमेटीज है। आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस, आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस बच्चे, मतलब बंगाल मेमोरेंडम से बच्चों, आनंदपुर साहिब फर्स्ट, नेक्स्ट बंगाल मेमोरेंडम्स, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम्स, ठीक है। थर्ड जो है बच्चे वो तुम्हारा सरकारिया कमीशंस एंड पुंछी कमीशंस बच्चे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सरकारिया और पुंछी कमीशंस ही है बच्चे, ठीक है। सरकारिया और पुंछी कमीशंस है, मतलब जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशंस था ना बच्चे, उसमें ये डिमांड हुई थी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स होने चाहिए बच्चे, सरकारी यानी आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस में ये बोला गया था बच्चे कि यूनियन गवर्नमेंट के जो इतने सारे सब्जेक्ट्स जो यूनियन गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं, इन सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड मनी, ये कंट्रोल जो होना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। बाकी के जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है वो किसके पास होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास। प्लस रजिस्ट्री जो पावर है बच्चे, इस पर भी स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए, पावर मिलना चाहिए। और जो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी है उसको क्या कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए बच्चे। तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चे, लगभग सेम टू सेम जो डिस्कस की गई थी बच्चे, वो सारा का सारा हुआ था तुम्हारा आनंदपुर साहेब रेजोल्यूशंस में भी हुआ था। और लगभग सेम इसी तरह की चीजें जो डिस्कस की गई थी वो डिस्कस की गई थी बंगाल मेमोरेंडम्स में भी बच्चा। जब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कमीशन बनाई गई, सरकारिया कमीशन, तो सरकारिया कमीशंस की ही रिक्वेस्ट पर बच्चे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया बच्चे। इंटर स्टेट जो काउंसिल है बच्चे, आर्टिकल 263 में, ये किसकी एडवाइस पर बना बच्चे, सरकारिया कमीशन के एडवाइस पर। यानी स्टेटों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है ना बच्चे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। और वहां पे सभी स्टेटों को हम क्या करें, बुलाएं, आओ बातचीत करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका क्या किया जाएगा, मिलजुल कर सॉल्यूशंस निकाला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो थी, यूनियन जो गवर्नमेंट थी, वो इस चीज के लिए एकदम प्रॉपरली मेंटली प्रिपेयर थी कि हमें ना तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को खत्म करना है, ना ही रेजिडेंसीज पावर स्टेट को ट्रांसफर करने हैं। गवर्नर को हटाने की बात हो रही थी बच्चे, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशंस में गवर्नर को एज अ एजेंट माना जाता था। तो लोग कहते थे गवर्नर और सीएम को काम करने में बहुत दिक्कत होती है गवर्नर के वजह से। गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है। अब गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अगर अपॉइंट हो रहा है, तो वो सीएम के वर्क में बहुत ज्यादा क्या करता है, इंटरफियरेंस करता है। तो इसलिए गवर्नर ज्यादा पावरफुल है या फिर सीएम जो है वो ज्यादा पावरफुल है, इन चीजों को लेकर बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था बच्चे। इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए सरकारिया कमीशन बनाई गई, ठीक है ना, जिसमें इसने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को हमें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को हम अबॉलिश नहीं कर सकते हैं बच्चे। हाँ, लेकिन प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज जो है बच्चे, वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही किसी स्टेट में गवर्नमेंट गिरती है ना, तुरंत गवर्नर क्या कर देता है, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगा देता है। या फिर गवर्नर जो है वो ये बोलकर भी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज प्रोक्लेम कर देता था कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिडिक्शन से बाहर जाकर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे कुछ सरकारिया कमीशन ने ये एडवाइज किया कि नहीं, गवर्नर को प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे स्टेट में इलेक्शन हुआ और स्टेट में इलेक्शन होने के बाद किसी पार्टी के पास फुल फ्लेश मेजोरिटी नहीं है, तो तुरंत हमें नेक्स्ट इलेक्शन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। हमें सेकेंड लार्जेस्ट पार्टीज को ऑफर करना चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर वो गवर्नमेंट बनाने के लिए रेडी हैं, तो आप गवर्नमेंट फॉर्म करिए और कंटिन्यू करिए। जब आपके सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं, लेकिन अगर जो फर्स्ट पार्टी है वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो सेकंड लार्जेस्ट
जैसे फर्स्ट पार्टीज जो है वो गवर्नमेंट बनाने से मना कर रही है, मतलब कहने का मतलब ये है, हाँ मेजोरिटी नहीं है मान लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि देखो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि पहले ये तो जो सरकारी कमीशन थे उसने बोला कि गवर्नमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस पार्टीज को कॉल करना होता है जिस पार्टी के पास मेजोरिटीज है। मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई जेड पार्टी है, ठीक है, इसको हमने कॉल किया कि भाई आइए गवर्नमेंट बनाइए, लेकिन ये पार्टी ने क्या कर दिया, गवर्नमेंट इसके पास मेजोरिटी है ही नहीं, तो मेजोरिटी पार्टी को सबसे पहले कॉल होता है गवर्नमेंट। अब जो इलेक्शन हुआ उसमें किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में सेकेंड ये होता है कि लार्जेस्ट पार्टीज को क्या किया जाए, बुलाया जाए। सेकेंड है मतलब कोलेशन नहीं, अभी कोलेशन है, लार्जेस्ट पार्टीज मतलब सबसे अधिक जिसके पास सीट है उसको आप बुलाइए। तो जो लार्जेस्ट पार्टी, अब लार्जेस्ट पार्टीज को हमने बुलाया, लार्जेस्ट पार्टी अगर रिजेक्ट कर देती है बच्चे, तो फिर उसके बाद होता है कि इलेक्शन से पहले अगर कोलेशन करके कोई इलेक्शंस लड़ा गया तो उस पार्टीज को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाइए। नहीं, जैसे रिजल्ट से पहले कोलेशन होना चाहिए, तो रिजल्ट से पहले का जो कोलेशन है उस पार्टी को आपको कॉल करना है। लार्जेस्ट पार्टी ने मना कर दिया तो आप क्या करेंगे, कोलेशन पार्टीज को बुलाए जो रिजल्ट आने से पहले का कोलेशन है, उस पार्टीज को बुलाइए, उन पार्टियों को बुलाइए। वो अगर मना कर देते हैं तो रिजल्ट के बाद जो कोलेशन होता है उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाना होता है। हाँ, मेजोरिटी किसी की नहीं है, तो टाइम देगा गवर्नर, कितना टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इतने टाइम में आपको मेजोरिटीज को क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी। तो गवर्नर आपको टाइम देगा, लेकिन प्रोसीजर जो है वही, यही क्या होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। और प्लस जो सरकारिया कमीशन है ना बच्चे, इसमें ये समझ में आ गया तुम लोगों को कैसे गवर्नमेंट बनाना है। दूसरी चीज है बच्चे, जब हम प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज यानी जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे ना, तब गवर्नर को प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो क्या करना है, प्रोक्लेम करना है। हाँ, फ्री मतलब इमीडिएट प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज नहीं लगानी होती है। जैसे दिल्ली में तुम देखोगे जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार गवर्नमेंट बनाया तो मेजोरिटीज नहीं थी, तो कांग्रेस के साथ मिलकर उसने गवर्नमेंट बनाया, लेकिन जन लोकपाल बिल पर लेकर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसने रिजाइन कर दिया। जैसे ही रिजाइन किया तो दिल्ली में तुरंत प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज प्रोक्लेम नहीं हुई, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टीज को क्या किया, ऑफर किया, लेकिन कोई भी जब नहीं आया तब जाकर गवर्नर जो है वो क्या किया, डिसॉल्व कर दिया लोग। तो ध्यान में रखना बच्चे कि जब भी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लाई जाती है बच्चे, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जैसे ही प्रोक्लेम होगी ना, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बच्चे वो इमीजिएट इफेक्ट, इमीजिएट जो होती है वो सस्पेंडेड होती है, इमीजिएट उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। डिसॉल्व हम तब करेंगे जब फाइनली सारे ऑप्शंस खत्म हो जाए। तो पेपर में ये मत टिक कर देना तुम लोग कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जैसे ही प्रोक्लेम होती है लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है, नहीं, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी जैसे ही प्रोक्लेम होगी लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो जाएगी, जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तब जाकर हम सेम सेंटर के लिए भी होता है, सेंटर में तो ऐसा लगता नहीं है, ठीक है ना, स्टेटों के लिए प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज हैं। और उसमें भी जब प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज में ये भी है ना कि 2 month का एक टाइम दिया जाता है, 2 महीने में आपको प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को पार्लियामेंट से रेक्टिफाई कराना कंपलसरी है। लग तो गया प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज, लेकिन वो 2 महीने तक ही रहेगा, 2 month तक ही, अगर वो लोकसभा से पास नहीं बिल होता है तो, और लोकसभा से भी पास कराना पड़ेगा राज्यसभा से, तब जाकर वो 6 month के लिए एक्सटेंड करेगा। और फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं 6 month के लिए और एक्सटेंड कर, तो फिर बिल लेकर आना पड़ेगा। इस तरीके से कर कर आप इमरजेंसीज को एक्सटेंड कर सकते। हाँ, ये होगा हर जगह, वहां पे बिल नहीं पास करते हैं, वो बिल पार्लियामेंट में पास होगा। हाँ, पार्लियामेंट में पास होगा तभी, क्योंकि एज अ स्टेट अब उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, तो बिल जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा कैबिनेट के थ्रू, और उसको पास करके, मतलब उसमें क्या होता है ना, बिल लाने से पहले इलेक्शन कमीशन जाता है वहां पे, और इलेक्शन कमीशन जाके वहां पे सर्वे करता है कि क्या सिचुएशंस फेवर में है इलेक्शंस कराने के। तो अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि सिचुएशन जो है इलेक्शंस के फेवर में है,
तुरंत अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ऑर्डर देगा कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को खत्म किया जाए और यहाँ पे नए इलेक्शंस को प्रॉपरली डिक्लेयर किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन जाता है उसकी एडवाइस पर ही इमरजेंसीज कंटिन्यू करती है। अगर इलेक्शन कमीशन रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं अभी सिचुएशंस काफी डिस्टर्ब है, यहाँ पे इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो इमरजेंसीज जो है वो कंटिन्यू करती रहेगी 6-6 मंथ तक। तो ये चीजें भी यहाँ पर आया था बच्चे, ठीक है ना। और दूसरी चीजें जैसे सेंट्रल स्टेट में झगड़ा, एक तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज को लेकर था, दूसरा था बच्चे ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर। जो ऑल इंडिया सर्विसेज ना बच्चे, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम में ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज होती है और स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज होती है। और जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है ना बच्चे, हाँ मतलब अपने अपने काम आप करिए उसके लिए सर्विसेज बनाई गई है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, यहां से जो अपॉइंट किया जाता है ऑफिसर्स, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होता है टर्मिनेट करने का, सिर्फ आप उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। आईएएस का, आईएएस और आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो लोग होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज का जो होगा, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आती हैं। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज में चार हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया और आईएफएस हो गया बच्चे, इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन रेवेन्यू, इंडियन पुलिस। अब इस सर्विसेज के जो लोग होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट ही एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज्यादा डिवोटेड होते हैं कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, हाँ जो भी उनका है। तो ये एक रहता है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि नहीं ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होना चाहिए, गवर्नर की पोस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज सरकारी ने बोला कि नहीं, गवर्नर का हमें टेन्योर फिक्स करना चाहिए, गवर्नर जो है वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाए और गवर्नर को उसी तरीके से आप रिमूव करें जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस होना चाहिए। मतलब इम्पीचमेंट तो नहीं, रिमूवल प्रोसेस हो, इम्पीचमेंट जैसा जो प्रोसेस होता। तो ये चीजें सरकारिया कमीशन ने बोला है बच्चे, जो चीजें हैं नहीं, गवर्नर जो होता हाँ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, गवर्नर का जो टेन्योर में प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप गवर्नर रहेंगे। अब वो है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, या सरकार को लगता है कि नहीं ये व्यक्ति जो है वो गवर्नर के लिए सही है। गवर्नर का काम ये होता है बच्चे, गवर्नर जो होता है उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है बच्चे, पूरी फाइल साइन उसी के थ्रू होती है बच्चे। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो गवर्नर ही होता है, स्टेट नहीं, मतलब चांसलर होता है स्टेट यूनिवर्सिटीज का, वो चांसलर होता है पूरा स्टेट। जो गवर्नर होता है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज का क्या होता है, चांसलर। तो वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो स्टेट गवर्नर के थ्रू होती है। यानी स्टेट जो गवर्नर होता है वो स्टेट में जितनी भी सर्विसेज हैं उसके लिए जितना भी मैन पावर चाहिए, उन सभी की अपॉइंटमेंट जो है वो स्टेट गवर्नर ही करता है। तो गवर्नर जो है ना, अकॉर्डिंग टू द पेपर, अकॉर्डिंग टू द पेन, सीएम से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, गवर्नर उसी के बोर्ड ऑफ द मेंबर जो होंगे, ठीक है ना, जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसमें जो बोर्ड के मेंबर और जो चेयरमैन होते हैं उनके अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नर के थ्रू होती है। लेकिन स्टेट गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन टर्मिनेट करने का पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है, उनको आप नौकरी से बाहर नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो है ना बच्चे, इसमें तुम्हें मिलेंगी जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो ध्यान में रखना है बच्चे। ये पुंछी कमीशन में भी लगभग कुछ इसी तरह की बातें होती हैं और यहाँ पर भी लगभग ये मोटी मोटी बातें हैं जो तुमको ध्यान में रखना है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में बच्चे। इसके अलावा और कुछ तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब जो तुम्हारा पेज नंबर 43 है ना बच्चे, उसमें तुम्हें देखने को ये मिलेगा बच्चे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ में आ गया बच्चों, सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ में आया, ठीक है। इसमें कमीशंस ध्यान में रखना है बच्चे, जितने भी कमीशंस मैंने बताए कमीशंस थोड़े से ध्यान में रख के जाना है बच्चे आप लोग।
दूसरी जो चीजें ध्यान में हमें रखनी है बच्चे, जो तुम लोगों के आईजीपी वाला जो तीनों पेयर है बच्चे ना, उसमें ना रेजिडेंसीज पावर के नीचे जब आओगे तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू द लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट बच्चे, यानी ये ध्यान में रखना बच्चे कि जो पार्लियामेंट है ना बच्चे, यानी पार्लियामेंट के पास बच्चे, जो पार्लियामेंट है बच्चे, ये पार्लियामेंट जो है बच्चे वो स्टेट लिस्ट पर भी क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है बच्चे। लेकिन स्टेट लिस्ट पर लॉ पार्लियामेंट तभी बना सकता है बच्चे जब राज्यसभा जो है तुम्हारा, ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी से उस बिल को क्या करे, पास करे, और पास करने के बाद ही पार्लियामेंट को, यानी स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है बच्चे, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है ना बच्चे वो नेशनल इंटरेस्ट में है, मान लेते हैं बच्चे नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो राज्यसभा को क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा में इस बिल को लाना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास करना पड़ेगा, और फिर इस बिल को हमें पार्लियामेंट के लोकसभा में भेजना होता है, और लोकसभा जो है उसका उस बिल को क्या करके, पास करके स्टेट लिस्ट पर क्या कर सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है। हाँ लेकिन हाँ नहीं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा बच्चे, यानी नेशनल स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, और इस स्टेट लिस्ट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उस स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट पर कोई स्टेट चाहता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग करे, तो फिर उस बिल को आपको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कुछ बिल्स होते हैं जो सीधा राज्यसभा से इंट्रोड्यूस होकर लोकसभा और फिर प्रेसिडेंट के पास आते हैं, और कुछ बिल होते हैं जो कंपलसरी फॉर्म में लोकसभा से इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सारे इंट्रोड्यूस होते हैं कहां से, आपके लोकसभा से। इसी तरीके से बच्चे एक और चीज होता है, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज बच्चे, जैसे अभी ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं बच्चे वो 4 हैं, मुझे और भी कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज की जरूरत है, तो इस पर बिल कौन पुट करेगा, राज्यसभा, और राज्यसभा उस बिल को पुट करके 2/3 मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा उसे राज्यसभा से, देन लोकसभा को भेजा जाएगा, और लोकसभा जो है उस बिल को पास करके कुछ और ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, ऐड कर सकता है बच्चे। तो ये पावर ऑफ द पार्लियामेंट्री होती है बच्चे, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे ड्यूरिंग द इमरजेंसीज, जैसे इमरजेंसीज लगाया जाता है, तो मान लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसीज लग गई, तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसीज लगती है ना बच्चे, या मान लेते हैं कि प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लगी हुई है बच्चे, तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज अगर किसी स्टेट में है तो उस स्टेट के लिए जो लॉ मेकिंग की जाती है बच्चे वो पार्लियामेंट करती है, और इमरजेंसीज के खत्म होने के बाद 6 महीने तक वो लॉ कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगा बच्चे। तो प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज में ध्यान में रखना कि कोई स्टेट एक्स वाई जेड है बच्चे, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज लग चुकी, अब इस स्टेट में, इस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए मुझे कुछ लॉ मेकिंग करना है बच्चे, अब लेजिस्लेटिव असेंबली तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फिर लॉ कौन बनाएगा इस एक्स वाई जेड के लिए, इसके लिए लॉ जो बनाता है बच्चे वो पार्लियामेंट बनाता है, किस आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 250 के थ्रू बच्चे, 250 तुम्हारे नोट्स में लिखा है ना, 250। राज्यसभा से चीज है, मतलब कहीं भी आ सकता है वो, तो इसी तरीके से बच्चे पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट, दो या दो से अधिक स्टेट ये चाहते हैं बच्चे कि पार्लियामेंट जो है उनके लिए लॉ मेकिंग करें, दो या दो से अधिक स्टेट चाहते हैं कि पार्लियामेंट उनके लिए लॉ मेकिंग करें, तो फिर पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 252 का यूज करके ना बच्चे स्टेट लिस्ट पे क्या कर सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है बच्चे, लेकिन बिल जो है ना वो राज्यसभा से पास करा के आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा में भेजना पड़ेगा बच्चे। तो ये भी तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसी तरह से बच्चे जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं और एग्रीमेंट होते हैं वो इफेक्टिव तभी होते हैं बच्चे जब उस इंटरनेशनल ट्रीटी
या उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट लॉ पास करेगा बच्चे, तभी वो इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो इफेक्टेड मानी जाएगी, वरना उस इंटरनेशनल ट्रीटीज को हम लोग इफेक्टेड नहीं मानते हैं बच्चे, ये ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है बात बच्चे, समझ पा रहे इस बात को? ठीक है ना, कहने का मतलब ये है बच्चे कि हमने, ठीक है ना, ठीक है, जैसे हमने क्या किया बच्चे, एनपीटी और सीटीबीटी को हमने रेक्टिफाई ही नहीं किए, तो रेक्टिफाई कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, तो हमने रेक्टिफाई ही नहीं किया, बात ही खत्म। साइन भी नहीं किया तो रेक्टिफिकेशन की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे अब पेरिस एग्रीमेंट पर हमने साइन किया है, तो अब पेरिस एग्रीमेंट पे हमने जो साइन कर रखा है उसको पार्लियामेंट के थ्रू हमने रेक्टिफाई करा रखा है बच्चे। इसके लिए तुम देखोगे बहुत तरह के गवर्नमेंट जो है वो इन्वायरमेंटल लॉ जो है वो क्या करती है, क्रिएट करती है। तो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल जो ट्रीटीज होती हैं बच्चे, उससे रिलेटेड जो लॉ मेकिंग होता है बच्चे पार्लियामेंट के थ्रू होता है। जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम लोग लैंड बाउंड्रीज, लैंड एनक्लेव इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे, तो वो एग्जाम्पल हो सकता है बच्चे इसका, कि उसमें पार्लियामेंट ने क्या किया था, लैंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉ मेकिंग किया था। हाँ, 253 के थ्रू होता है ये पूरा का पूरा आर्टिकल, 253 के थ्रू इसको तुम देख सकते हो बच्चे। और किसी स्टेट में बच्चे, फिर अगले पेज 44 पे आओगे, अगर किसी स्टेट में क्या है बच्चे, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज बच्चे, तो तुम देख सकते हो वहां पे कि स्टेट लिस्ट जो होता है बच्चे, उस पे पूरा पार्लियामेंट को ये पावर हो जाता है कि पार्लियामेंट उस स्टेट से रिलेटेड क्या कर सकता है, लॉज मेकिंग कर सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, फंक्शनेट करा सकता है बच्चे। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल में से मतलब प्रेसिडेंशियल इमरजेंसीज रहेगी, लेकिन उसमें हम लोकसभा विधानसभा को डिसॉल्व नहीं करेंगे, इमीडिएटली इफेक्टेड सस्पेंडेड हो जाएगी बच्चे, और पावर जो है वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा सीधा यूनियन गवर्नमेंट के पास, यूनियन पार्लियामेंट के पास आ जाता है। ये चीजें होती है बच्चे, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चे, उसमें यूनियन गवर्नमेंट को बहुत पावर दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ लॉ पे तो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी भेजती रहती है, उस लॉ को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए बच्चे, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चे यूनियन गवर्नमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करनी होती है, प्रोटेक्ट करनी होती है, ठीक है। इसी तरीके से तुम देखोगे आर्टिकल 200 बच्चे, जहाँ पे गवर्नर जो है वो कुछ बिल को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए बच्चे, प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद ही, मतलब स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ है, लेकिन प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं इस सब्जेक्ट पे कंसेंट जो है वो प्रेसिडेंट का चाहिए, तो उसके लिए उस बिल को क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है, यानी आर्टिकल 200 का यूज करके ना सीधा बिल को कहाँ भेज देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बच्चे। तो ये चीजें भी तुम देख सकते हो बच्चे। इसी तरीके से बच्चे कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसपे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टैक्स नहीं ले सकती है बच्चे, जो यूनियन इंडस्ट्रीज होती है बच्चे, यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लेने का राइट नहीं है बच्चे। जैसे रेलवे जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का आता है, यूनियन गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज नहीं ले सकते हैं, जो भी टैक्स शेयरिंग के थ्रू इसको सेटल किया जाता होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है तुम लोगों को बच्चे, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में बच्चे। और इसी तरह से देखो मेरे बच्चे, इंटर स्टेट रिलेशन में इंटर स्टेट के बीच में ना वाटर डिस्प्यूट बहुत अधिक होता है, तो इसके लिए फिर तुम देखोगे कि वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स भी बनाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं इसमें।
तो ये जनरल चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, इसमें कोई खास नहीं है। अब आ जाओ बच्चे जुडिशरीज इन इंडिया बच्चे, ठीक है ना? तुम्हारा जुडिशरीज इन इंडिया ठीक है ना? तो जुडिशरीज इन इंडिया में बच्चे एक तो हमें सुप्रीम कोर्ट देखना है और दूसरा बच्चे हाई कोर्ट देखना है, ठीक है ना? एक तो ये ध्यान में रखना है बच्चे कि सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट है बच्चे 28 जनवरी 1950, ठीक है? नहीं मतलब सबसे पहले तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, फिर बाद में उसको हटाकर हाई कोर्ट्स बनाए गए, ठीक है? फिर गवर्नमेंट एक्ट 1935 में फिर फेडरल कोर्ट का कंसेप्ट आया और फिर वही कंटिन्यू किया। तो पूरे इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, मतलब हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट के लिए सेपरेट जुडिशरीज नहीं है, सेंट्रल स्टेट के लिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है ना? स्टेट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट आपको स्टेट हाई कोर्ट्स मिलेंगे, लेकिन पूरे इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट एक ही मिलेगा। लेकिन यूएस में जाओगे तो डिफरेंट है बच्चे, ना सेंटर के लिए अलग होता है, स्टेट के लिए अलग होता है। तो हाँ मतलब फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, तो वहाँ पे चीजें क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है बच्चे। जो सुप्रीम कोर्ट था बच्चे, इनिशियली जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था बच्चे, उसमें चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होते हैं। सुप्रीमेसीज मतलब एग्जीक्यूटिव्स के सेंस में वो तुम्हें सुप्रीमेसीज देखेगी बच्चे, लेजिस्लेटिव सेंस में तो लेजिस्लेटिव्स की ही सुप्रीमेसीज है कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरीज में सुप्रीमेसीज किसकी है, तो कुछ जगह पे तुम्हें जुडिशरी जो है वो ज्यादा सुप्रीम दिखेगा, ठीक है ना? वो भी दिखेगा तुम्हारा जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म्स के वजह से बच्चे, जो इतनी जुडिशियल एक्सट्रीम एक्टिविज्म्स जो है वो कहीं ना कहीं जुडिशरीज को एग्जीक्यूटिव से ज्यादा सुपीरियर बना रहा है। जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव से सुपीरियर नहीं है बच्चे, यानी लेजिस्लेचर अगर चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जुडिशरीज के पावर को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन फिर ये माना जाएगा कि ये वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंसीज ऑफ जुडिशरीज की बात की गई है। तो जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरीज के ऊपर हावी नहीं हो सकता है बच्चे, क्लियर है? लेकिन एक जब सुप्रीमेसीज तुम देखोगे तो जो सुप्रीमेसीज है ना वो सुप्रीमेसीज है बच्चे एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरीज के बीच में बच्चे, वो लेजिस्लेटिव्स और उसके बीच में नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, अगर उसे कोई ऑथराइज्ड और रेगुलेट कर सकते हैं इन सभी कोर्ट को, तो पार्लियामेंट ही करती है, और पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेचर। नीचे आओगे बच्चे सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल सुप्रीम कोर्ट था बच्चे, उसमें लगभग एक चीफ जस्टिस होता था और 7 अदर जजेस होते थे बच्चे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि 34 टोटल नंबर ऑफ द जजेस होंगे बच्चे, एक बार चेक कर लेना। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा बच्चे, और बाकी के 33 जजेस हैं या 34 जजेस हैं, एक बार देखना पड़ेगा तुम लोग। नहीं और देखो, 31 पहले थे, मुझे लगता है 34 हैं बच्चे। पहले क्या होते थे, नंबर ऑफ द जजेस 33 एंड चीफ जस्टिस को इंक्लूड अगर करते हैं तो 34 हो गया ना, क्योंकि पहले क्या था 1+30 थे बच्चे। हाँ तो कितना टोटल 33 इंक्लूड कर, 34 है ना? हाँ तो वही 34, मतलब 34 में बच्चे 1+33 होता है,
एक तो तुम्हारा सीजीआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट होती है ना बच्चे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। और बाकी जो 33 जजेस होते हैं बच्चे, इनकी भी जो अपॉइंटमेंट होती है ना बच्चे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और एक चीज होती है जिसको कोलिजियन सिस्टम बोलते हैं बच्चे। कोलिजियन सिस्टम होता है बच्चे, ये कोलिजियन सिस्टम में टोटल 4 जजेस होते हैं, और कोलिजियन सिस्टम का जो चेयरमैन होता है बच्चे, वो सीजीआई होता है। तो एक्चुअली ये लोग डिसाइड करते हैं कि चीफ जज नेक्स्ट सीजीआई कौन होगा, और हाई कोर्ट से किन किन जजेस को हमें सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है, लेकर आना है। और जो जजेस का ट्रांसफर होता है ना बच्चे, उस पर भी किसका डिसीजन होता है, कोलिजियन सिस्टम का। तो कोलिजियन सिस्टम जो है एक प्रोसेस है, ये जजेस केसेस आए थे, जजेस फर्स्ट, जजेस सेकेंड और जजेस थर्ड केसेस, और उस जजेस थर्ड केस से बच्चे कोलिजियन सिस्टम का कंसेप्ट निकल के आया था। और इस कोलिजियन सिस्टम में 4 जजेस होते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, 2 हाई कोर्ट से आएंगे, और इस जो कोलिजियन सिस्टम का हेड होता है बच्चे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। और इनके थ्रू जो लिस्ट फाइनलाइज की जाती है बच्चे, उस लिस्ट पर प्रेसिडेंट को कंसेंट देना होता है। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो अपने आर्बिट्रीज पावर का यूज नहीं करता है बच्चे। और ये कोलिजियन सिस्टम है बच्चे, यही जजेस को ट्रांसफर भी करती है, ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंसीज नहीं है बच्चे कोलिजियन सिस्टम में, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड का इकलौता कंट्री है। इंडिया वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इंडिया एक इकलौती कंट्री होगी जहां पे जज ही जज को अपॉइंट करता है, बाकी जगह पे एग्जीक्यूटिव्स जो होती है वो जजेस को क्या करती है, अपॉइंट करती है। इसी के लिए, इसी कॉलेजियन सिस्टम को खत्म करने के लिए ही बच्चे एनजेसी लाया गया था, नेशनल जुडिशरीज, ठीक है, एनजेएसी, अपॉइंटमेंट कमीशन्स बच्चे। लेकिन 2016 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये माना गया कि एनजेसी जो है वो तो जुडिशरीज के इंडिपेंडेंसीज को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंसीज ऑफ जुडिशरीज है। तो अभी भी फिलहाल जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है ना बच्चे, वो फाइनली तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न से होगी, लेकिन वो एडवाइज लेता है ऊपर बच्चे। तो यहाँ पे जो सीजीआई है बच्चे, उसके अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओथ कौन करेगा सीजीआई का, तो भी तुम्हें ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करना है, टिक करना है बच्चे, ठीक है। अगर हमें सुप्रीम जो कोर्ट है बच्चे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है बच्चे, अगर सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के अगर बेंच हमें फॉर्म करने होना बच्चे, तो ये पावर जो दिया गया है पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच क्या कर सकती है, फॉर्म कर सकती है बच्चे। और ये जजेस के संख्या को, नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना, नंबर ऑफ जजेस की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करना, पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पावर जो होता है पार्लियामेंट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने से जजेस स्ट्रेंथ को ना तो इंक्रीज कर सकती है और ना ही जजेस स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर सकती है बच्चे। तो इंक्रीज और रिड्यूस करने का जो पावर है ना बच्चे, वो पावर जो है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पीछे आओगे बच्चे तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस है, ठीक है ना, जजेस की क्वालिफिकेशंस। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन में देखोगे बच्चे, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है बच्चे, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर अ 5 ईयर्स बच्चे, या तो वो हाई कोर्ट का जज हो या किसी हाई कोर्ट में उसने 5 साल एज अ जज के तौर पे काम किया हो, ये कंडीशन है। या ही शुड हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट में एज अ एडवोकेट अगर काम किया है फॉर अ 10 ईयर, 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स तक कंटिन्यू एंड लगातार, एंड ही शुड बी डिस्क्रिस्टिंग इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट के नजर में वो एक लीगल एडवाइजर है, अगर वो एक लीगल एक्सपर्ट है बच्चे, उसे भी सुप्रीम कोर्ट का आप क्या कर सकते हैं, जज बना सकते हैं, वो भी आपका क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है बच्चे। क्लियर है बच्चे, एक्सपर्ट होना, जैसे लॉ फैकल्टीज होता है ना, जो लॉ फैकल्टीज होते हैं वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो लॉ फैकल्टीज होते हैं, लॉ कॉलेजेस में जो लोग, हाँ, जो फिर बन सकता है क्योंकि वो होते तो लॉयर ही हैं, उनमें
उन्हें लीगल जो इंडियन लीगल सिस्टम है उसके वो एक प्रकार से एक्सपर्ट माने जाते हैं। बस प्रेसिडेंट को लगना चाहिए इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, लगना हाँ लगना चाहिए, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है बच्चे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। नेक्स्ट आओगे बच्चे तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ द जजेस है, ठीक है ना, सॉरी टेन्योर ऑफ द जजेस, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है बच्चे, होल्ड द ऑफिस ही अटेंड द एज ऑफ 65 बच्चे, मतलब 65 ईयर्स तक की एज तक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो ऑफिस को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है बच्चे। एंड ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को रिजाइन करके ऑफिस को छोड़ सकता है बच्चे। एंड नेक्स्ट है बच्चे, ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब ठीक है ना, मतलब पार्लियामेंट के रिकमेंडेशंस पे प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट ये आरोप लगाया गया, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इस जज में काम करने की क्षमता नहीं है, यानी इनकैपेसिटी ऑफ वर्क जो है वो अब इनमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और दूसरा बच्चे मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर ग्राउंड पे तुम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट पार्लियामेंट में रिमूवल रेजोल्यूशंस ला सकते हो, लेकिन कंडीशंस ये होगी बच्चे कि अगर रिमूवल रेजोल्यूशन सुप्रीम रिमूवल रेजोल्यूशंस जो है बच्चे अगर लोकसभा में आ रहा है तो कम से कम रिटन कंप्लेन 100 मेंबर्स की होनी चाहिए। और अगर रिमूवल रेजोल्यूशंस तुम चाहते हो कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में आए तो रिटन कंप्लेन कम से कम मिनिमम 50 मेंबर्स की होनी चाहिए, और वो 50 मेंबर्स की कंप्लेन भेजी जाएगी सबसे पहले कहाँ, हाउस ऑफ द हेड के पास, ठीक है, हाँ कोई भी, मतलब हाउस सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, हाउस ऑफ द मेंबर मेंबर होना चाहिए, सिटीजन ऑफ मेंबर नहीं, मतलब हाउस ऑफ द मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। राज्यसभा में जैसे दीपक कुमार के अगेंस्ट लाया गया था इम्पीचमेंट रिमूवल रेजोल्यूशंस, लेकिन जब भेजा गया तो वेंकैया नायडू के पास वो कंप्लेन गया, और वेंकैया नायडू ने उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स टीम बुलाई, जिसमें ये देखने के लिए बुलाया गया कि आप ये बताइए कि ये जो रिमूवल रेजोल्यूशंस लाया जा रहा है ये हाउस में टिक पाएगा या नहीं, ऐसा तो नहीं कि कहीं टाइम पास हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है तो ठीक है ना, वो एक प्रकार से गलत ही हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट टीम बैठी थी तो उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया, ग्राउंड में कोई उतना स्ट्रांगनेस नहीं है, मतलब ये ग्राउंड जो बताया जा रहा है वो ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशनली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं है, जो ग्राउंड्स के बेसिस पर डिमांड की जा रही है वो ग्राउंड एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकैपेसिटी ऑफ वर्क है और मिसबिहेवियर है। दीपक कुमार पे ये लगा था कि जो सीजीआई होता है वो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो किस जज को कौन सा केस देना होता है ये डिसीजन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज सीजीआई लेता है, तो उस पर यही आरोप था कि ये अपने लोगों को सरकार के फेवर्ड केसेस को दे रहे हैं और जो इसी तरह से हल्के फुल्के केसेस हैं वो किसी को दे दिया जा रहा है, तो रोस्टरिंग जो हो रही है वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, तो इस बेसिस पर उन्होंने पुट किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ बच्चे, ठीक है ना। तो कम से कम 100 मेंबर होने चाहिए बच्चे, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान में रखना बच्चे, सबसे पहले क्या है कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बना रखा है बच्चे, जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968, जिसमें चेक किया जाएगा बच्चे, पहले इन्वेस्टिगेट होगा देन उसके बाद बच्चे, अब मान लो कि 50 मेंबर हो गए तो फिर उसके बाद क्या होता है ना बच्चे, वो जो कंप्लेन होती है वो सीजीआई को क्या की जाएगी या सुप्रीम कोर्ट के जिस जज के अगेंस्ट होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है और उसे 14 डेज का टाइम दिया जाता है, ठीक है। अगर उस 14 डेज का जो टाइम आपको दिया गया उसमें अगर आपको अपनी लगती है कि सही में मेरी गलती है तो आप खुद ही रिजाइन कर दें, वरना 14 डेज के बाद जिस हाउस ने पुट किया था उस हाउस में आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, और दूसरा हाउस हो सकता है कि आपके डिफेंस में आए और जो फर्स्ट हाउस है वो क्या करेगा आपके ऊपर आरोप लगाएगा, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 2/3 मेजोरिटी मतलब प्रेजेंटेड प्लस वोटिंग का 2/3 होना चाहिए बच्चे,
इसीलिए आज तक बहुत सारे जजेस के अगेंस्ट रिमूवल रेजोल्यूशंस आता है, लेकिन वो पास नहीं हो पाता, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स, मतलब हाउस का 2/3 प्रेजेंटेड प्लस वोटिंग का 2/3 चाहिए। टोटल हाउस का एब्सोल्यूट मेजोरिटी तुमने निकाला, और उसके बाद प्रेजेंटेड प्लस जो वोटिंग, प्रेजेंटेड प्लस जो वोटिंग करने वाले हैं उनका 2/3 होना चाहिए, तब जाकर वोट जो पड़ेगा, अगर उस वोट में उसके यस आया कि हाँ हटाना चाहिए, तब वो जाकर हटेगा बच्चे। तो 2/3 मेजोरिटी है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं आता, लेकिन बहुत सारे जजेस पर ये लगाए गए हैं। जैसे हरियाणा के हाई कोर्ट के जज पे सबसे पहले लगा था, लेकिन वो बच के निकल गए। तो बहुत सारे जजेस पर लगा है, इतना है ना, नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना बच्चे, उनके डिग्निटीज पर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, मतलब उनके डिसीजंस पे कोई आपको क्वेश्चंस करने का राइट नहीं है। जो वर्डिक दे दिया वो फाइनल वर्डिक है, लेकिन उनके वर्डिक पर अगर डिबेट होगा ना बच्चे, तो वो वर्डिक पर डिबेट होता है तो वो सिर्फ रिमूवल रेजोल्यूशंस के टाइम हो सकता है। उससे पहले अगर आपने किया तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग है, और उसके लिए जज आपको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। कुछ तुम्हें यहां तक चीजें क्लियर है तुम लोगों को? हाँ, आर्टिकल्स थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, क्वालिफिकेशंस ध्यान में रखनी होती है, नंबर ऑफ जजेस ध्यान में रखना। हाँ, थोड़ा सा अगर क्वेश्चंस पूछेगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या होता है, रीट जुरिडिक्शंस क्या होता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शंस क्या होता है, अपीलेंट जुरिडिक्शंस क्या होता है, और एक और होता है कुछ जुरिडिक्शन ऑफ द रिकॉर्ड, ठीक है, पढ़ने हैं मतलब। तो उसमें जैसे सेंट, हाँ, रीट जो फंडामेंटल राइट्स हैं बच्चे, तो ये रीट जुरिडिक्शन होता है। मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है बच्चे कि जो कुछ केसेस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए कि सीधा वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास ही आते हैं बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है, तो वो सीधा मैटर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के थ्रू सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, पार्ट ऑफ द रीट जुरिडिक्शन, वो रीट जुरिडिक्शन का पार्ट होता है, तो रीट जुरिडिक्शन के थ्रू वो सीधा मैटर कहां से, सुप्रीम कोर्ट में। जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शंस होता है, तो जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो वो मैटर सीधा ओरिजिनल जुरिडिक्शन के थ्रू कहां पे आएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो एग्जाम्पल ऑफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन है बच्चे, इसको हम लोग ओरिजिनल जुरिडिक्शन बोलते हैं। और अपीलेंट जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है बच्चे कि जो लोअर कोर्ट्स हैं बच्चे, लोअर कोर्ट्स के डिसीजंस को तुम अपर कोर्ट में क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, तो इसको अपीलेंट जुरिडिक्शन बोलते हैं। और अपीलेंट जुरिडिक्शन दोनों तरह के अफेयर्स में होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल मैटर हो बच्चे। हाँ, लेकिन अपीलेंट जब आप अपील करोगे ना बच्चे, तो उसको उस कोर्ट से सर्टिस्फाइड कराना कंपलसरी होता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जैसे क्रिमिनल केसेस में तो अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई है, तो अपने आप वो केस सुप्रीम कोर्ट में ओपन हो जाता है। लेकिन सिविल जो केसेस होती है ना, उसको अगर आपको चैलेंज करना है, तो एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम में आपको उस लोअर कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं इसे आगे चैलेंज करना चाहता हूँ, तो वो क्या होता है। हाँ, मत कोर्ट देगा, जिस जहां से वो चीज, हाँ, देगा या नहीं देगा वो जरूरी है, क्योंकि इतना सुप्रीम कोर्ट के पास बर्डन है, लेकिन वो देता ही है, मना नहीं करता है, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो रोकेगा नहीं, वो दे ही देगा। हाँ, अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि हियरिंग 1 साल में 1 बार आए या 2 साल में 1 बार। हाई कोर्ट में जो आपके जब केसेस चलते हैं, तो कम से कम मिनिमम 6 महीना लगता है आपका नंबर आने, तो सोचो कि सुप्रीम कोर्ट में तो फिर नंबर आने में 1 साल लग जाए या 2 साल, या हो सकता है फाइल ही गायब हो जाए, तो बहुत टाइम लगता है। तो अपीलेंट जुरिडिक्शन भी है बच्चे, और एक होता है रिकॉर्ड जुरिडिक्शन बच्चे, एडवाइजरी जुरिडिक्शन, यानी कुछ सिचुएशंस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 147 का यूज करके ना, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से किसी लीगल सब्जेक्ट पर एडवाइस ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बाइंडेड नहीं है, बाउंडेड नहीं है। एडवाइस दे भी सकता है, एडवाइस देने से मना भी कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन होता है। और रिकॉर्ड नहीं, प्रेसिडेंट पे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो होता है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है बच्चे। और एक होता है तुम्हारा रिकॉर्ड ज्यूरिडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक दिए जाते हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक होते हैं वो लोअर कोर्ट में एज अ फैक्ट्स यूज होते हैं, इसको रिकॉर्ड ज्यूरिडिक्शंस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना किसी केस पर अपना एक वर्डिक दिया, वो वर्डिक जो होता है लोअर कोर्ट के लिए एज अ रेफरेंस होता है। आप लोअर कोर्ट में उस रेफरेंस का यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बचा सकते हैं, इसको रिकॉर्ड ज्यूरिडिक्शंस बोलते हैं। तो ये चीजें आती हैं बच्चे रिकॉर्ड ज्यूरिडिक्शंस में। क्लियर है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट समझ में आया? हाँ, कौन से वाले? ये तो जितने भी कमेटीज नहीं, ये तो जितने जजेस बने थे ना उनका नाम है, ये जुडिशियल कमेटीज दे रहा है ना, SH कपाड़िया, ठीक है ना, ये जजेस के नाम है बच्चे। हीरा लाल जे कानिया हो गया, M हिदायतुल्ला जो बाद में जाकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, डेथ हो गई इनकी। क्या चीज? हाँ, हाई कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है और हाई कोर्ट के जजेस को टर्मिनेट करने के जो ग्राउंड्स हैं वो सिमिलर हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, मतलब आर्टिकल में डिफरेंसेस है। हाई कोर्ट का आर्टिकल टोटली क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, हाई कोर्ट का। लेकिन रिमूवल रिजोल्यूशंस कुछ उसी तरीके से आता है बच्चे, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जजेस को अगर रिमूव करना है तो लगभग प्रोसीजर्स जो है वो सेम है बच्चे। हाँ, ये ध्यान में रखना कि जो हाई कोर्ट है बच्चे, हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो लगभग मुझे लगता है कि अब इंडिया में 25 या 26 हाई कोर्ट्स होंगे बच्चे, एक बार इसको भी चेक कर जाए, कॉमन हाई कोर्ट से। तो ये, हाँ ये होता है, ये डिसीजंस लिया जाता है पार्लियामेंट के, बहुत सारे स्टेट हैं ये, तुम्हारे दमन, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दमन दीव, इसके कॉमन हाई कोर्ट्स मिलेंगे। लिस्ट तो होगा इसमें, मैंने इसमें है बच्चे कुछ के नोट्स होंगे। जैसे देखो कलकत्ता हाई कोर्ट है ना, इसमें वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है बच्चे, दिखा। इसी तरीके से बच्चे असम, मिजो, मेघालय, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट है बच्चे, ठीक है ना। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट है बच्चे, केरला एंड लक्षद्वीप के लिए केरला हाई कोर्ट है बच्चे, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए बच्चे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है बच्चे। तो ये कॉमन हाई कोर्ट्स भी होते हैं बच्चे, ठीक है ना, कॉमन हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है ना। लेकिन कॉमन हाई कोर्ट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए इसका डिसीजन जो है ना बच्चे वो पार्लियामेंट लिया जाए, पार्लियामेंट लेता है बच्चे। और हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी बच्चे, वो जजेस के अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होती है, लेकिन कंसल्ट बाय द स्टेट गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बच्चे। और उसके अलावा हमें NJ, इसको भी मतलब इनसे भी कंसल्ट करना पड़ जाता है, तुम्हारा कॉलिजियन सिस्टम से बच्चे, ये भी ध्यान में रखना तुम लोग। और हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाना है बच्चे तो वही मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी ऑफ वर्क, और थोड़ा सा देख लेना क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस हाई कोर्ट के बच्चे, ठीक है ना। जैसे 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल ऑफिस इन द इंडियन टेरिटरीज बच्चे, या फिर एज अ हाई कोर्ट आपने, एज अ एडवोकेट के तौर पे आपने काम किया है तो भी आपको हाई कोर्ट का क्या किया जा सकता है, जज बनाया जा सकता है बच्चे, ठीक
क्लियर है। और यहाँ पे बच्चे जुरिडिक्शंस हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में तो कुछ कुछ मामले होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट्स में आते हैं बच्चे, ठीक है। वैसे यहाँ पे ओरिजिनल जुरिडिक्शन जैसी चीजें नहीं होती हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट वाला मेंशन नहीं था इसलिए मैंने तुम्हें, लगभग इसी तरीके का है, ठीक है ना। जैसे फंडामेंटल राइट जो होता है ना बच्चे, अगर हाई कोर्ट में आ रहा है डायरेक्ट, तो पार्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी बोल सकते हैं उसको, और पार्ट ऑफ द रीट जुरिडिक्शन भी बोल सकते हैं, दोनों में तुम उसको रख सकते हो बच्चे। और लोअर कोर्ट के डिसीजन को अगर तुम चैलेंज कर रहे हो बच्चे, तो वो अपीलेंट जुरिडिक्शन का पार्ट होता है बच्चे। तो ये चीजें हैं। और फिर उसके बाद तुम देखोगे कंपेरिजन किया गया है बच्चे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच में बच्चे, तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन तुम्हें देखना पड़ेगा बच्चे। तो एक बार देख लो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कंपेरिजन, लेकिन ये फैक्ट्स है ना, याद रहेगा तो ही क्वेश्चन होगा, इसमें भूलता बहुत है बच्चे, कंफ्यूजन भी हो जाता है कभी कभी सिमिलर चीज में। तो एक बार कंपेरिजन कर लो, कुछ डाउट लग रहा है तो फिर मुझे बताना। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना, जो सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जब तुम देखोगे जो यहाँ पे कंपैरिजन किया बच्चे, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो सैलरी और जो अलाउंसेस होता है वो कंसोलिडेटेड फंड पर क्या होता है, चार्ज्ड होता है। तो कंसोलिडेटेड फंड पे जो चार्ज्ड अमाउंट होते हैं बच्चे, उन पर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जा सकता है बच्चे। बाकी सारे एक्सपेंस पर आप डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं कि क्यों इसको ज्यादा फंड आप दे रहे हो, कम क्यों दे रहे हो, क्यों इतना दे रहे हो, लेकिन जो फंड कंसोलिडेटेड फंड पे चार्जेबल होते हैं उन पर पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जाता है। तीन तरह के पब्लिक, तीन तरह के फंड होते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। कंसोलिडेटेड फंड होते हैं जिसमें पूरा टोटल टैक्स कलेक्शन होता है, और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट फंड, जैसे हमने पीएफ का पैसा हो गया, सर चार्ज जो हम लोग पे करते हैं, तो इस तरह के जो पैसे होते हैं पब्लिक अकाउंट फंड में जाते हैं। और एक फंड होता है तुम्हारा कंटीजेंसीज फंड या इमरजेंसीज फंड, मतलब कोई अनफॉर्सीन इवेंट के लिए वो मेंटेन किया जाता है, 500 करोड़ 1000 करोड़ का होता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड होता है ना, उससे एक्सपेंस करने के लिए गवर्नमेंट बजट पुट करती है, और बजट जब फाइनलाइज्ड हो जाता है पार्लियामेंट से, तो सरकार यानी गवर्नमेंट के पास राइट होता है कंसोलिडेटेड फंड को से एक्सपेंस करने का, पूरा एक साल तक राइट मिलेगा। लेकिन कुछ फंड जो होते हैं, जैसे बजट जब प्रेजेंट करती है तो सरकार जो भी एक्सपेंसेस बताती है ना, उस पर ओपोजिशन को पावर होता है क्वेश्चंस पूछने का, उस पर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन होता है। लेकिन कुछ फंड ऐसे होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं कंसोलिडेटेड फंड पर, जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सैलरी, कैग की सैलरी, यूपीएससी चेयरमैन की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की सैलरी, ये पूरा कंसोलिडेटेड फंड पे क्या होता है, चार्ज्ड होता है। तो जो फंड चार्ज्ड होता है उस पर डिबेट और डिस्कशन नहीं किया जाता, उतना देना ही है आपको, उस पर कोई डिबेट और डिस्कशन करने की जरूरत। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चे कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनकी जो सैलरी होती है और उनके जो अलाउंसेज होते हैं ना, वो पे किए जाते हैं स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, यूनियन कंसोलिडेटेड फंड से नहीं किए जाते।
क्लियर है भाई? कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताओ तुम्हें। हाँ जैसे ना, आप कुछ टाइम के लिए तो एकदम फ्रीज कर दिया जाता है, कूलिंग टाइम होता है, उसमें आप लीगल एडवाइजिंग भी नहीं दे सकते। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, उनके पास बहुत काम होता है, ठीक है ना? उनको जरूरी नहीं है कि दोबारा से वो प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करें, ठीक है? अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, रिटायर्ड होता है, तो अगर गवर्नमेंट के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन है तो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। पॉलिटिक्स भी तो ज्वाइन कर लेते हैं सब, ठीक है? नहीं तो कहीं पढ़ाया वढ़ाएगा किसी यूनिवर्सिटीज में एज अ गेस्ट फैकल्टीज, एज अ प्रोफेसर फॉर अ सोशल वेलफेयर के लिए। हाँ, हाई कोर्ट में रिच है। हर हाई कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस का पावर नहीं है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस जो टर्मिनोलॉजी जो क्रिएट की गई थी फॉर अ सुप्रीम कोर्ट के लिए रिच है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर होते हैं जिसका यूज करके वो सीधा जो प्रॉब्लम्स होता है ना, वो सीधा प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा रिच है। जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के डिस्प्यूट को सॉल्व इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये पूरा का पूरा होता है मिशन वहां पर। यस बच्चे, हाँ अपीलेंट ज्यूरिडिक्शंस का मतलब ये होता है दृष्टा, कि जैसे तुम्हारा कोई केस चल रहा है बच्चे, और मान लो कि वो केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, तुम उस वर्डिक्ट से जस्टिफाई नहीं हो बच्चे, सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, कि तुम्हें जो हाई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जजमेंट दिया तुम उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो तुम क्या कर सकते हो बच्चे, उसको अपर कोर्ट में जैसे ही अपील करोगे ना बच्चे, तो उसको अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। वो दोनों तरह के प्रॉब्लम्स में आता है, क्रिमिनल कोड ऑफ कंडक्ट में भी आएगा और सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसके अंदर भी आता है बच्चे। इसी को बच्चे हम लोग अपीलेंट ज्यूरिडिक्शंस बोलते हैं बच्चे। ये ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है, और ये ज्यूरिडिक्शन जो है बच्चे हाई कोर्ट के पास भी होता है। दोनों जगह पे मिलेगा ये तुम्हें, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पे ज्यूरिडिक्शन देखने को मिलेगा बच्चे। क्लियर है दृष्टा? अब वहां पे भी क्या होता है ना, कि उसमें भी डिफरेंसेस होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है उसको डिवाइड किया जाता है, कुछ जगह पे क्रिमिनल केसेस लिए जाते हैं और कुछ जगह पे सिविल, जो एक होता है सिविल कोर्ट होता है, तो
जो सिविल कोर्ट होता है ना, वहां पे सिविल मैटर्स आते हैं पूरे के पूरे, और जो सेशन कोर्ट होता है उसमें क्रिमिनल जो केसेस होते हैं वो सेशन कोर्ट्स के अंदर आता है पूरा का पूरा। तो सेशन जज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और सिविल जो कोर्ट होता है उसके जज, हाँ मतलब ज्यादा थोड़ा इतना नहीं होता। सिविल में क्या होगा, मतलब कोई तलाक का, डिवोर्स का, यही सारे मैटर्स होते हैं, फाइन लगाना, टैक्स, मतलब तुमने कोई गवर्नमेंट लॉ को ब्रेक किया है तो उस फाइन लगाना, ये सिविल के अंदर पूरा का पूरा का, फिर उससे ज्यादा जो ज्यादा। तो सेशन जो कोर्ट्स होते हैं उसके अंदर क्रिमिनल अफेयर्स आते हैं पूरा का पूरा, जो क्रिमिनल अफेयर्स होगा वो पार्ट ऑफ द सेशन को। ठीक है।